Take a look at what happened. जब चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हमला हुआ तो गोली चलाने वाले हमलावर को यूएस सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने मार गिराया था। हमलावर केवल 20 साल का था, उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था। लेकिन ट्रंप पर इस हमले के बाद हमलावर की चर्चा कम और ट्रंप को बचाने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का जिक्र ज्यादा हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूएस सीक्रेट सर्विस क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसने किन किन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और यह अमेरिका के किन किन लोगों की सुरक्षा करता है। आइए आपको बताते हैं। अमेरिका में एक समय ऐसा आ गया था कि वहां जमकर फेक करेंसी यानी नकली डॉलर बनाए जाने लगे थे। यह समय 1861 से लेकर करीब 1865 के आसपास का था। तब अमेरिका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भी छिड़ गया था और उस दौरान अमेरिकी बाजार में एक तिहाई नकली करेंसी घूम रही थी। ऐसे में अमेरिका को जरूरत थी कि वह एक ऐसी संस्था का निर्माण करे जो इस फेक करेंसी के जाल को तोड़ सकें और खतरे में आ चुकी देश की वित्तीय स्थिरता को दूर कर सकें। इन सब जरूरतों को ध्यान रखते हुए अमेरिका में 1965 में एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट की शाखा के तौर पर सीक्रेट सर्विस का निर्माण किया गया। लेकिन उस वक्त यह उतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन जब 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या हुई तो उसके बाद सीक्रेट सर्विस को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया। इसके बाद साल 1906 में अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीक्रेट सर्विस के लिए कानून बन गया और इसके लिए एक बजट भी पास कर दिया गया। यानी अब जो सीक्रेट सर्विस था उसके पास बहुत ताकत आ गई थी, फाइनेंशियली ताकत। तो यह तो यूएस सीक्रेट सर्विस के बनने के पीछे की कहानी थी। और आप यह जानिए कि यह यूएस की यह संस्था अब किसे किसे सुरक्षा देती है। तो यूएस सीक्रेट सर्विस के ऊपर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिजनों और राज्य सरकार के प्रमुखों की सुरक्षा का जिम्मा है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक डेटा के मुताबिक सीक्रेट सर्विस में लगभग 3200 विशेष एजेंट होते हैं, 1300 वर्दीधारी डिवीजन अधिकारी हैं और 2000 से अधिक अन्य तकनीकी पेशेवर या प्रशासनिक सहायक कर्मी हैं जो अभी भी कार्यरत हैं। इनके पास इतनी ताकत है कि यह वारंट इश्यू करा सकते हैं। ये एजेंट बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। सितंबर 2022 से किम्बरली ए. चीटल सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर है, वह इसे लीड कर रही हैं। सीक्रेट सर्विस सुरक्षात्मक और जांच संबंधी दोनों मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय के साथ मिलकर काम करता है। यूएस सीक्रेट सर्विस ट्रंप पर हमले के बाद से बेहद सुर्खियों में है। लगातार आप इसका नाम सुन रहे होंगे। कहा जा रहा है कि इसने ट्रंप की जान बचाई है और लगातार लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें india.com।